सिरसा की जेई और वक्फ बोर्ड कॉलोनी की दो दशक पुरानी मांग अब पूरी होती दिखाई दे रही है। दोनों कॉलोनियों में सीवरेज और पीने के पानी की लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने किया। गोविंद कांडा ने लोगों को भरोसा दिलाया कि क्षेत्र के विकास के लिए बाकी के काम भी जल्द शुरू हो जाएंगे और इस मौके पर गोविंद कांडा ने सिरसा विधायक गोपाल कांडा के कामों को भी सराहा और कहा कि उनके प्रयासों से खेहड़ विस्थापितों को राहत मिली है, साथ ही ऑटो मार्केट के लोगों को मालिकाना हक मिला है। जेई कॉलोनी में जिन चीजों का अभाव है उनमें सबसे बड़ी समस्या आज पानी की समस्या और सीवर की समस्या और लाइट की समस्या सबसे पहले ये जरूरी होती है। तो जो अब बड़ी दिक्कत थी कि पानी भी था, लाइट भी था, सीवर की समस्या थी, वो दूर होगी, आज शुरुआत हो गई है। और जो अब सबसे बड़ी समस्या आपकी रिलीज कराने की है, मैं उसके ऊपर, मेरे आदमी चंडीगढ़ बैठे हैं, मैं कोशिश करके, इलेक्शन में भी करीबन आचार संहिता में 40-45 दिन है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि 45 दिन के अंदर अंदर ही आपका काम हो जाए। अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, भाई गोपाल कांडा जी जो 50 साल से लोगों की डिमांड थी, जैसे स्टोन वाटर था, रोडवन धर्मशाला थी, अग्रवाल धर्मशाला थी, या जो थेड़ से लोग उजड़े थे उनको भी अब 33 एकड़ जमीन सलारपुर में दुरादी, उनको मकान मिल जाएंगे, 750 घर उनको जल्दी मिल जाएंगे सलारपुर में। बहुत बड़ी बड़ी जो ऐसी समस्याएं थी शहर की, ऑटो मार्केट थी, जो ऑटो मार्केट 1982-83 से जो बहाल नहीं हुई थी वो बहाल करा के लगभग हमने 90% लोगों ने ट्रांसफर करा ली, 90% लोगों ने अपनी रजिस्ट्रियां करवा ली, मालिक बन गए सारे ऑटो मार्केट के।